हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से जल्द स्केच निकालना। पर सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना डिले करते हुए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। हमने हमारी ट्रिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप आसानी से सीख सके, तो चलिए बिना किसी डिले के चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो पार्ट वन में आते हैं, हमारे आएंगे 50 से 100 के बीच में जो स्क्वायर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं 99 का स्क्वायर, तो हम इसमें लेंगे बेस 100। तो जब बेस 100 लेंगे तो हम ये देखेंगे ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 1 कम है, तो फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो फिर हम अपने स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखेंगे, हमेशा 2 ही डिजिट में हम अपने स्क्वायर को लिखेंगे। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा आएगा 1, पर हमें 2 डिजिट में लिखना है तो हम इसके आगे 0 लगा देंगे। और ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 98। तो ये हमारा 99 का स्क्वायर हो जाएगा, 9801, या फिर हम इसे कह सकते हैं 9801। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम निकालेंगे 98 का स्क्वायर। 98 के स्क्वायर में भी हम बेस तो 100 ही लेंगे, और ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो फिर 2 का स्क्वायर क्या होता, हमारा 4 होता है। और हम हमेशा हमारे स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखते हैं तो हम इसके आगे एक 0 लगा देंगे, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा 2 का। इसके बाद ये 100 से 2 कम था इसलिए हमने 2 का स्क्वायर किया और यहां लिख दिया। अभी से हम 100 से 2 कम है तो इसमें से हम 2 और माइनस कर देंगे, तो 98 माइनस 2 तो 96 आ जाएगा। तो हमारा 98 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9604। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम निकालेंगे 94 का स्क्वायर। तो अब इसमें बेस तो हमारा सेम ही रहेगा 100, तो ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो ये 6 कम है तो फिर हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो हमने पहले उसका स्क्वायर लिख लिया जो कि हम 2 डिजिट ही लिखेंगे, और उसके बाद हम इसमें से 6 माइनस कर देंगे। 94 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 88। तो हमारा 94 का स्क्वायर होगा 8836। उम्मीद है आप सब समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 89 का स्क्वायर। तो 89 100 से कितना कम है, 11 कम है, तो हम 11 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा 121 होता है। तो पर हम स्क्वायर की 2 ही डिजिट लिखते हैं तो हमारा 21 आएगा। लास्ट की 2 डिजिट हम यहां लिखेंगे और 1 हमारी आ जाएगी कैरी। उसके बाद इसमें से हम 11 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 100 से कितना कम था, 11 कम था, तो इसमें से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 78। और एक ही हम कैरी ऐड कर देंगे इसमें, 89 यहाँ आ जाएगा और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा 89 का। तो जब भी ये हमारी 3 डिजिट आएंगी तो लास्ट की 2 डिजिट हम यहाँ लिखेंगे और 1 डिजिट हम कैरी लेंगे, तो ये हमारा 89 का स्क्वायर आ जाएगा 7921। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम निकालेंगे 88 का स्क्वायर। तो 88 हमारा 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो हम 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 144 होता है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट यहां लिखेंगे, हमारा जाएगा कैरी में। अब ये 100 से 12 कम है तो
इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे। अब ये 100 में से 12 कम है तो इसमें से हम 12 और माइनस कर देंगे। जितना ये 100 से कम होगा हम उसमें से उतना ही और माइनस कर देंगे, और जितना ये कम होगा उतने का ही हम स्क्वायर लेंगे। जैसे कि ये 100 से 12 कम था तो हमने 12 का ही स्क्वायर लिया है, अब हम इसमें से माइनस भी 12 ही करेंगे। और स्क्वायर में हम लास्ट 2 डिजिट्स ही लेंगे। अगर 3 डिजिट आ गए तो जो फर्स्ट डिजिट होगी हम उसको कैरी में लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को यहां लिखेंगे। और जैसे कि हमारा 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो इसमें से हम 12 और माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 76। तो हम अब 76 में 1 कैरी और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 77। 76 प्लस 1 कैरी इज इक्वल टू में 77, तो हमारा 88 का स्क्वायर आएगा 7744। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम इसका जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकें। थैंक यू।